in this section i will tell you how risk tolerance plays a significant role in portfolio selection process so firstly we will discuss what is meant by risk tolerance so basically risk tolerance is a measure of how much of a loss an investor is willing to undertake when he decides to invest in a certain इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कोई पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट कर रहा है या पोर्टफोलियो बना रहा है उसका कम से कम कितना नुकसान वो बियर कर सकता है तो दैट हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग के इस इंडिविजुअल का रिस्क का टॉलरेंस का लेवल क्या है तो वी कैन सेग्रीगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द टॉलरेंस ऑफ रिस्क दे हैव और कोई भी इंडिविजुअल की या इन्वेस्टर की एज उसका इनकम उसके पास टोटल सेविंग्स कितने हैं उसका वेल्थ का स्टेटस क्या है ये तमाम चीज़ें उसका कम्फर्ट लेवल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं रिस्क टॉलरेंस को तो रिस्क टॉलरेंस कैन बी हाई और कैन बी लो डिपेंडिंग अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एज सच एज द एज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन इन्वेस्टर या उसके पास ऑलरेडी कितना सेविंग्स मौजूद हैं या वो उसकी फ़ैमिली इंटीग्रेटेड है इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अगर मुझे कोई नुकसान हो जाए तो फौरन मेरे बहन भाई मेरी मदद को आएंगे या नहीं आएंगे तो ये चीज़ भी मेरे रिस्क टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करती है तो रिस्क टॉलरेंस बहुत अहम रोल प्ले करता है पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए तो अगर आपका जो रिस्क टॉलरेंस का लेवल है वो काफ़ी हाई है यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान करने के मुतहल हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी दौलत आपकी वेल्थ आपकी फ़ैमिली बैकग्राउंड आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती है कि आपको अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो भी आप को कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं लगेगा फाइनेंशियल शॉक नहीं लगेगा आप उसके मुतहमल हो जाएंगे तो इस किस्म की सिचुएशन में जो आपका रिस्क का टॉलरेंस का लेवल है वो काफ़ी हाई होगा और इसी तरह से अगर आप पास पैसे नहीं है या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल नहीं है या आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ नहीं है आपके अकाउंट में कोई इतने खातिर ख्वा वैल्यू नहीं पड़ी हुई तो जाहिर है फिर आपको छोटे से छोटा लॉस भी काफी हर्ट करेगा इस केस में आपकी जो रिस्क टॉलरेंस लेवल है देर इज अ पॉसिबिलिटी ये रिस्क टॉलरेंस लेवल इन दिस केस विल बी लो तो इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स नाउ इन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के हमें पहले हमने डिस्कस किया कि देर कुड बी पर्सनल फैक्टर्स जैसे मेरा एज मेरे जेब में पैसे कितने हैं मेरे इनकम ये तमाम चीज़ें भी मेरे टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं बट एट द सेम टाइम आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ के पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ के अंदर उस पर्टिकुलर मुल्क में या उस पर्टिकुलर सेक्टर uh, के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका रोल क्या है कानून गवर्नेंस जुडिशरी ये तमाम चीज़ों का लेवल क्या है ये भी बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपके रिस्क टॉलरेंस को और अगर पता है आपको कि कोई मेरा मैं ये पर्टिकुलर इन, इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसमें कोई लोग मुझे धोखा दे देंगे और मेरे जो जुडिशरी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई मुझे धोखा देने से बच नहीं सकता और वो पकड़ा जाएगा और उसको लॉसेज हो उसको फ़ाइन चार्ज हो जाएगी और मेरे लॉसेज मुझे रिकवर हो जाएंगे एंड देर इज़ अ वेरी हाई चांस के मुझे कोई चीट नहीं कर सकता ठीक है इन uh, दैट केस आपका रिस्क टॉलरेंस हाई और होगा लेकिन अगर आपको पता है कि लोग मुझे लूट के या धोखा दे के भाग जाएंगे और कभी पकड़े नहीं जाएंगे तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑब्वियसली यू विल बी रिलक्टेंट टू गेट इन टू सिचुएशन जहां हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो इट्स नॉट जस्ट द पर्सनल फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिस्क टॉलरेंस लेवल इसके अलावा स्टॉक मार्केट की वोलिटिलिटी फ्लैक्चुएशंस आप अक्सर देखते हैं एस सी हंड्रेड इंडेक्स ऊपर चला गया नीचे चला गया स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई या बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है तो ये स्टॉक मार्केट की वोलिटिलिटी के इंडिकेटर्स हैं तो स्टॉक मार्केट की वोटिलिटी स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्विंग्स आ रही हैं इकोनॉमिक पोलिटिकल इवेंट्स हैं ये तमाम चीज़ें आई एम एफ़ की कोई कंडीशन लग गई हैं आई एम एफ़ ने हमें कर्जा दे दिया सऊदी अरब ने हमारे पास डॉलर्स रखवा दिए सऊदी अरब ने कहा अभी अभी हमें वो डॉलर्स वापस कर दो ये तमाम चीज़ें भी आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल को इन्फ्लुएंस करती हैं तो रेस्ट टॉलरेंस की असेसमेंट के लिए आपके पास देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ आप अपने रेस्ट टॉलरेंस की असेसमेंट्स कर सकते हैं कि फ़लाँ रेस्ट टॉलरेंस के लिए आप असेसमेंट्स करवाते हैं कि फ़लाँ जो एसेट्स हैं वो हाई रिस्क हैं वो लो रिस्क हैं वो न्यूट्रल लेवल की रिस्क हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे देर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आई टॉक टू द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मुझे कहा कि देर आर दीज डिफरेंट एसेट क्लासेस एक है जहाँ हाई रिटर्न है मगर हाई रिस्क है दूसरी कैटेगरी है या एसेट की क्लास है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगी मगर आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रिस्क की बेसिस के ऊपर डिफरेंट एसेट्स को क्लासीफाई कर देते हैं जिसको आप अपने रिस्क के टॉलरेंस के लेवल से उनमें जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आने शुरू हो जाए तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसमें से निकाल सकते हैं तो अगैन इट इज़ नॉट एसेंशल के इफ़ यू सी दैट दिस इज़ अ सेफ अपॉर्चुनिटी तो आप वो सेफ ही रहे

देर कुड भी अनादर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द टाइम हेराइजन आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर आपने बीस साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो नेचुरली टाइम हराइजन बड़ा हो गया वहाँ रिस्क फैक्टर हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन कलेब्स कर जाए वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाए देर कुड भी हंड्रेड एंड टेन फैक्टर्स तो पीपल दे फॉर अवॉइड के हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए ना ही इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें और अगर करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर रिस्क को ओवरकम करने के लिए बहुत हाई रेट ऑफर करना पड़ता है राइट तो रिस्क टॉलरेंस को टाइम होराइजन इन्फ्लुएंस करती है रिस्क टॉलरेंस uh, को आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इन्फ्लुएंस करती है कि आप फ्यूचर में कितना पैसा अर्न करना कर सकते हैं वो चीज़ आपके रिस्क टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करेगी अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अभी मैंने रिटायर हो जाना है और मेरी इनकम सारी गिर जाएंगी जो मैं अभी कमा रहा हूँ तो आप फिर रिस्क नहीं लेते ज़्यादा और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आईव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो और मैं बहुत और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करके या और काम करके या कारखाना कर बना के या वॉट तो इन दैट केस यू विल बी योर रेस्ट टॉलरेंस विल बिकम हायर आप आप ज़्यादा बड़े लेवल ऑफ रिस्क के मुतहमल हो सकते हैं तो आप आपका रेस्ट टॉलरेंस इंक्रीज कर जाता है और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो आपके घर की क्या सिचुएशन है फाइनेंशियल सपोर्ट है फिर आपकी पेंशन मिल सकती है सोशल सिक्योरिटी है सरकार कुछ गड़बड़ हो जाती है कोई नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट हो जाता है या ले ऑफ हो जाते हैं जॉब में से निकाल दिए जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है सरकार आपकी मदद करेगी या नहीं करेगी या आपके पास इनहेरिटेंस का क्या स्टेटस है तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो वालदेन की तरफ से आपको पैसे मिलने वाले हैं या मिले हुए हैं उन वो थोड़े हैं ज्यादा हैं ये भी आपके रिस्क टॉलरेंस को बहुत अहम तौर पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नाउ रिस्क टॉलरेंस की बेसिस पे हम इन्वेस्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज तो वी कैन हैव एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो uh, बहुत ज़्यादा रेगुलसली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में हाई लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड है दे आर दे वुड लाइक टू गो फॉर दैट वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे हाई परचेज बाइंग सेलिंग करते हैं ये लोग और इसलिए इनको एग्रेसिव इन्वेस्टर्स कहते हैं बिकॉज दे हैव गॉट अ हायर रिस्क टॉलरेंस लेवल अंदर कॉन्फ्री वी कैन हैव अन क्लास जिसमें हम कहते हैं कि वी हैव वी कैन हैव कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो क्या है बहुत सोच समझ के काफ़ी वक्त लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका जो फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस का लेवल है वो काफ़ी लो होता है तो वो बहुत कम नुकसान अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कम नुकसान भी हो जाएगा तो भी हम हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा है हम बहुत इट विल बी शॉकिंग फॉर आज तो दे ऑलवेज थोक के ध्यान से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत लो लेवल ऑफ रिस्क वाली ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वी कैन हैव द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एंड वी कैन हैव एग्रेसिव इन्वेस्टर्स तो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स इसके दरमियान में वी कैन हैव इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू गो फॉर मॉडरेट रिस्क तो उनको हम बोल रहे हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के वो हमेशा उन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे में ही इन्वेस्ट करेंगे जहाँ मॉडरेट हल्का फुल्का सा रिस्क अप है बहुत लो भी नहीं है बहुत हाई भी नहीं है तो वी हैव गॉट दिस थर्ड कैटेगरी दैट फॉल्स सम इन द मिडिल एंड दे आर नोन एज द मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर सो वी हैव गॉट एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एंड वी हैव गॉट द मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स एंड देन वी हैव गॉट द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच We can classify investors on the basis of the level of financial risk tolerance they have.